युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 30 दिसंबर 2019 दिन सोमवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:55 तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:43 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:34 से लेकर 9:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आने वाला नववर्ष 2020 आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगलमय रहे, सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इस कामना के साथ हम अपने शनि मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन कराने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2020 को होगा। इस यज्ञ में भागीदार बनने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और इस यज्ञ में भाग लेकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका परमास्त्र है और यही आज आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने आप पर डाउट ना करें और अपने परिश्रम में कोई कमी ना आने दें। आज आपके शत्रु भी आपसे डरकर भागेंगे क्योंकि यदि वे आपका सामना करने की कोशिश करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज ना तो सीमित साधन और ना ही आपकी शत्रु की कोई योजना आपके कार्यों में बाधा डाल पाएगी। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनि पीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। जो भी लोग पुलिस या फौज में कार्यरत हैं, आज उनके लिए दिन बहुत ही शुभ है और आज आपको अपने साहस के बल पर अपनी पुलिस फोर्स या बटालियन का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। आज आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज रक्तचाप बढ़ने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में मृगशाला का उपयोग करने से आज आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज कुंभ राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध
प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की उपासना करें और उसके पश्चात किसी ऐसे मंदिर में जाकर जहां पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा हो आप उनके चरणों में एक मिट्टी का बना शेर अर्पित करें। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूं। मैं लगभग 1 महीने पहले यहां गुरुजी के पास आया था तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, और तो मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।